हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार, गेस्ट लेक्चर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूरनपुर। आज के यूट्यूब क्लास लेक्चर 9 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप और पी टाइप के बाद में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है, ध्यान दीजिए, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। जैसे कि पीलीभीत जंक्शन, मैलानी जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़। जैसे हमारा कोनी है तो यहाँ पर ज्वाइंट है, जहाँ पर ज्वाइंट होता है वो क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर भी जंक्शन से ही संबंधित होगा, जोड़ने संबंधित होगा। तो क्या जोड़ेगा बच्चों यहाँ पर? जैसे कि हमारे पास एक पी टाइप सेमी कंडक्टर है और एक एन टाइप सेमी कंडक्टर है। तो जब हम क्या करेंगे, एक पी टाइप सेमी कंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ विशेष विधि के द्वारा जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? विशेष विधि के द्वारा जोड़ देंगे। तो ये संयोजन, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो ये संयोजन ही क्या कहलाएगा? पीएन संधि डायोड कहलाएगा। जहां पर दोनों पी और एन आकर के क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो वो संयोजन ही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? पीएन संधि डायोड, यानी पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। ठीक है, क्या होता है पी इंजेक्शन डायोड बच्चों? ध्यान दीजिए एक बार फिर से, कि जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ विशेष विधि के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो ये संयोजन ही क्या कहलाता है? पीएन संधि डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। इसमें बच्चों क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक पी टाइप क्षेत्र है, एक हमारे पास एन टाइप क्षेत्र है। ये जहां पर दोनों का ज्वाइंट है, जहां पर जंक्शन बना हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं बच्चों, वो क्या है हमारा? पीएन जंक्शन डायोड का कार्य कर रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि पी का मतलब होता है, पी मीन्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होते हैं? कोटर होते हैं। क्या पॉजिटिव होता है बेटा? कोटर। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब हो गया आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन सी चीज होती है बेटा? कोटर होते हैं, होल्स, कोटर होते हैं। और एन मीन्स क्या होता है? निगेटिव। एन मीन्स क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि एक पी क्षेत्र है तो उसमें जो आवेश वाहक होंगे, चार्ज कैरियर होंगे, वो क्या होंगे? पॉजिटिव यानी क्वार्टर होंगे। और जो एन क्षेत्र होगा, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इसमें आवेश भाग यानी चार्ज कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होगा, जैसे ही पीएन संधि बन जाती है वैसे ही बच्चों क्या होता है, पी क्षेत्र में क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या होंगे? क्वार्टर होंगे। वो कहाँ जाते हैं? एन क्षेत्र की तरफ। और एन क्षेत्र में क्या होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कहाँ जाते हैं? पी क्षेत्र की तरफ चलने लगते हैं। तो ये बच्चों इसका सिंबल है, प्रतीक है, काय का, पीएन संधि डायोड का ये सिंबल है बच्चों, इस तरीके का बनेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम आपको बनाना है, याद भी रखना है, बार बार बना के देखेंगे तो याद रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद में हमारा आता है अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर क्या होती है बच्चों? ध्यान दीजिए, नया टॉपिक है, इसी के नीचे लिखा जाएगा इसको। पहले आपको पी इंजेक्शन डायोड लिखना है, मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। इसके बाद में डायग्राम बनाना है, सिंबल इसका, सिंबल बनाने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डालेंगे, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर क्या होती है, थोड़ा ध्यान देना है। जैसे ही बच्चों पीएन संधि बनती है, जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड क्रिएट होता है, बनता है, वैसे ही संधि के तरफ, यानी यहाँ पे एक संधि बन जाती है, एक जंक्शन बन जाता है, तो संधि के तरफ क्या होता है? संधि के मतलब बीच में दोनों तरफ, दोनों तरफ का मतलब होता है पी क्षेत्र है, ये कम सा एन क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। आवेश वाहक का मतलब क्या है? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मतलब क्या है? कोटर और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव कोटर। यानी कि क्या होगा, एन क्षेत्र में क्या होंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएंगे? पी क्षेत्र में। और पी क्षेत्र में पॉजिटिव क्वार्टर कहाँ जाएंगे? एन क्षेत्र में। क्या होता है इनका? आदान प्रदान या विसरण प्रारंभ हो जाता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो विसरण के बाद एक दूसरे को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर ध्यान देते हैं एक बार, कि जैसे ही पी इंजेक्शन डायोड बनता है, पी क्षेत्र से धनावेशित क्वार्टर, ठीक है, और एन क्षेत्र से ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विसरण आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम लोग चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर मीन्स क्या होता है, आपको बताया जा चुका है, आवेश वाहक का आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है, जो दोनों एक दूसरे को मिलकर के नष्ट यानी कि न्यूट्रल कर देते हैं। तो संधि से न्यूट्रल कर देते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद में बच्चों क्या होता है, जब न्यूट्रल कर देते हैं तो संधि के समीप एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड,
आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों? एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ईआई क्रिएट हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ होती है। क्या होता है बेटा? एक इंटरनल वैद्युत क्षेत्र ईआई क्रिएट हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ होती है। ठीक है, अब एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो एक पर्त टाइप की बन जाती है। तो ये क्या करता है? ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉनों को और कोटरों को आने जाने से रोक देता है। एक पर्त बन जाती है, हल्की सी दीवार जैसी बन जाती है। तो इस पर्त जो बन जाती है, देखिए पर्त टाइप की दिखाई दे रही होगी ये आपको थ्री लाइन्स की, तो ये पर्त है वो क्या करती है, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स को कोटर को आने जाने से क्या करती है, रोक देती है। जिसमें क्या होता है, हमारा एन क्षेत्र में पॉजिटिव हमारे क्या होते हैं, दाता, और नेगेटिव क्या होते हैं, हमारे ग्राही होते हैं। ठीक है बेटा, तो एन क्षेत्र के समीप में हल्के से क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव दाता, और एन क्षेत्र में और जो हमारा पी क्षेत्र है उसमें नेगेटिव क्या आ जाते हैं बच्चों, ग्राही जो है बन जाते हैं, जिसके द्वारा ही एक परत का निर्माण होता है। और इस परत की जो चौड़ाई होती है वो 10^-6 मीटर की, कितनी चौड़ाई होती है, 10^-6 मीटर की होती है, जिसको अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिप्लेशन लेयर का जो होता है निर्माण हो जाता है। और डिप्लेशन लेयर क्या करती है, आवेश वाहक यानी चार्ज कैरियर मींस इलेक्ट्रॉन और कोटरों का आना जाना आदान प्रदान क्या कर देती है, बिल्कुल बंद कर देती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस चीज का। हाँ बच्चों, तो इसी क्रम में हम बात करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड को हम निम्नलिखित दो तरीके से जोड़ सकते हैं। कितने तरीकों से जोड़ सकते हैं, दो तरीके से जोड़ सकते हैं। नंबर वन क्या होता है, अग्रविनत यानी कि फॉरवर्ड वाइज, और नंबर दो क्या होता है, पश या उत्क्रम अभिनत, इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स वाइज। ठीक है बच्चों, क्या होता है, तो सबसे पहला भाग, सबसे पहला पार्ट इसका पीएन जंक्शन डायोड का, वो हमारे सामने है अग्र अभिनत मींस फॉरवर्ड वाइज। अग्र अभिनत क्या होता है बच्चों, इसका डायग्राम बनाना सबसे पहले हमको, तो हमारे पास एक पी क्षेत्र है और एक क्या है, एन क्षेत्र है। जैसा कि आपको पता है पी मींस पॉजिटिव, तो क्वार्टर होंगे, अब एन मतलब नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पी क्षेत्र में क्वार्टर होते हैं, एन क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं, अग्र अभिनत में डायग्राम बनाने के बाद में ध्यान दीजिएगा क्या होता है, कि जब हम पी टाइप क्रिस्टल के या पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के प्लस सीरीज के साथ और एन टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के माइनस यानी कि नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ देते हैं, तो ये संयोजन जो होता है वो कैसा होता है, अग्र अभिनत होता है। क्या होता है अग्र अभिनत, एक बार और ध्यान दें, जब पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ देते हैं, तो ये संयोजन बेटा क्या कहलाता है, पीएन जंक्शन डायोड का ही दूसरा नाम बन जाता है अग्र अभिनत, या ये हमारा संयोजन क्या कहलाता है, अग्र अभिनत मींस फॉरवर्ड वाइज कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इस स्थिति में जब हम क्या करते हैं, पी को प्लस से एन को माइनस से जोड़ते हैं, तो बच्चों क्या होता है, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र कौन सा, ई उत्पन्न हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो पी से एन की तरफ होती है। जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इसका बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो ई है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो ई आई है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई से ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण पी क्षेत्र में क्या होते हैं, पॉजिटिव क्वार्टर होते हैं, और एन क्षेत्र में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण पी क्षेत्र से क्वार्टर एन क्षेत्र की तरफ और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की तरफ क्या होते हैं, चलना प्रारंभ कर देते हैं, और संधि के समीप पहुंच करके एक दूसरे को उदासीन यानी न्यूट्रल नष्ट कर देते हैं, और इस प्रकार संधि में धारा जो है वो बहने लगती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी का रहेगा, नंबर टू, पश यानी अथवा उत्क्रम, पश उत्क्रम एक ही बात है, अभिनत इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स वाइज। ठीक है बेटा, तो क्या होता है उत्क्रम अभिनत या पश अभिनत, इसमें क्या करते हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ और एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये संयोजन जो है वो क्या कहलाता है, उत्क्रम अभिनत, पश अभिनत, या हमारा रिवर्स वाइज कहलाता है।
इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें एक बाह्य विद्युत क्षेत्र जो हमारा होता है ई, उसकी डायरेक्शन बदली हुई होती है। जैसे यहाँ पी से एन की तरफ था तो यहाँ हो जाएगा एन से कहाँ हो जाएगा पी की तरफ हो जाएगा। तो जब एन से पी की तरफ हो जाएगा और आंतरिक वायु क्षेत्र क्या है ई आई है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है समान है। तो ये वाला जो बाह्य वायु क्षेत्र यहाँ विरोध कर रहा था, यहाँ पर विरोध नहीं करता है, वो ई आई का क्या करता है सहयोग करता है। जब सहयोग करता है तो कोटर एन की तरफ नहीं जाते और इलेक्ट्रॉन पी की तरफ नहीं जाते। क्या होता है जो हमारा पी क्षेत्र है इसमें कोटर जो होते हैं पॉजिटिव होल्स वो क्या होते हैं देखिए माइनस थ्री की तरफ और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पॉजिटिव थ्री की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है दोनों दोनों का मतलब इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों क्या होते हैं संधि यानी जंक्शन से क्या होते हैं दूर हट जाते हैं और परपथ में धारा का प्रवाह बिल्कुल बंद हो जाता है यानी उसमें बिल्कुल करंट जो है नहीं बहता है। ठीक है बच्चों, शायद कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक नहीं है।